एक्सरसाइज 2.5 का क्लास 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक्स टू दी पावर 3 प्लस वाई टू दी पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो LHS को सॉल्व करके RHS ले आएंगे या फिर RHS को सॉल्व करके LHS ले आएंगे। तो यहाँ पे आसान रहेगा हमें RHS को सॉल्व करना और LHS लाना। तो RHS हमारे पास है x प्लस वाई और ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस x को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाता है x टू दी पावर 3, और फिर जब इस x को एक्स वाई से माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई, और फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से ये प्लस और वाई को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा प्लस वाई के ऊपर पावर 3। अब देखते हैं क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर हमने लिखा है यहाँ पे एक्स टू दी पावर 3, और अब ये वाला देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह से ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया हमारे पास इधर y के ऊपर पावर 3। तो ये हो गया इक्वल टू एल एच एस, और ये हमारा हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट का। एक्स थ्री माइनस वाई थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे, सबसे पहले RHS ले लेते हैं। RHS हमारे पास है एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू दी पावर 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पहले हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, और फिर ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वाई के ऊपर पावर 3। अब इसमें क्या हो जा रहा है, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल, तो बच गया हमारे पास एक्स टू दी पावर 3 माइनस वाई टू दी पावर 3, तो जो हमें लाना था, तो इक्वल टू ये हो गया हमारा एल एच एस, और यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।